एक खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं सवीद अंसारी और आप देख रहे हैं खबर बॉलीवुड। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों से हटके नजर डालते हैं बॉलीवुड की मसालेदार खबरों पर। द केरल स्टोरी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 178 करोड़ 32 लाख रुपए का कारोबार किया है। अदा शर्मा ने इस बात की आशा जताई है कि फिल्म जल्द ही पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में भी रिलीज होगी। शनिवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म के नेट कलेक्शन की भी जानकारी दी है। पहली तस्वीर में अदा शर्मा को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने टॉप और स्कर्ट पहनकर रखा है। दूसरी तस्वीर में वह सफेद साड़ी पहनी हुई है और एक हाथी को गले लगा रही है। अदा शर्मा और फिल्म के निर्देश सदुपति सेन हाल ही में कोलकाता में फैन से बातचीत करने पहुंचे थे। हालांकि फिल्म कोलकाता में रिलीज नहीं होने के कारण वे दर्शकों से बात नहीं कर पाए। इसके पहले अदा शर्मा ने ट्विटर पर कोलकाता विजिट के बाद एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने लिखा था कि धन्यवाद कोलकाता, हमें बहुत सारे मैसेज मिले हैं, हम आप सभी से मिलने आए थे। मुझे आशा है कि द केरल स्टोरी पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में जल्द ही दिखाई देगी। जब उन्होंने एक फैन ने जानकारी दी कि चेन्नई और कोलकाता में फिल्म की टिकट की अभी बुकिंग नहीं हो पा रही है, तब उन्होंने इस पर निराशा भी जताई। जूनियर एनटीआर के बर्थडे से ठीक एक दिन पहले निर्माता निर्देशक कौर ताला शिवा के निर्देशन में बनने वाली उनकी फिल्म एनटीआर 30 के टाइटल का भी बड़ा ऐलान किया गया। जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा का धांसू फर्स्ट लुक जारी हुआ। इसके बाद सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर संग अपनी अगली फिल्म वॉर 2 को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। अभी फिल्म का क्रेज थमा भी नहीं था कि केजीएफ निर्देशक प्रशांत नील के साथ आने वाली जूनियर एनटीआर की अगली फिल्म एनटीआर 31 को लेकर भी मेकर्स ने खुशखबरी सुना दी है। टॉलीवुड फिल्म स्टार जूनियर एनटीआर और निर्देशक प्रशांत नील एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। हालांकि इस फिल्म के साथ ये दोनों सितारे पहली दफा हाथ मिला रहे हैं। ये एक हाई फिल्म एक्शन ड्रामा होगी जिसमें जूनियर एनटीआर एकदम अलग लुक में नजर आने वाले हैं। इससे पहले मेकर्स ने जूनियर एनटीआर का धमाकेदार फर्स्ट लुक भी जारी किया था। इस लुक ने फैंस के बीच भी काफी तहलका मचाया था। वहीं आखिर में बात करते हैं अपकमिंग मूवीज की। तो बात करें अपकमिंग मूवीज की तो डायरेक्टर रोहित शेट्टी की गोलमाल फिल्म सीरीज सुपर हिट रही है। गोलमाल फिल्म की कॉमेडी आज भी खूब पसंद की जाती है। फिल्म की कॉमेडी क्लिप्स सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल भी होती है। हाल ही में डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ऐसे में रोहित शेट्टी भी अपने दर्शकों के लिए पुराना जादू तैयार कर रहे हैं। रोहित शेट्टी जल्द ही गोलमाल 5 की तैयारी शुरू करने वाले हैं। रोहित शेट्टी ने भी इसकी जानकारी दी थी। अब गोलमाल के एक्टर श्रेयस तलपड़े ने भी इंटरव्यू में फिल्म को लेकर खुलासा किया है। श्रेयस तलपड़े ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में बताया कि केवल फैंस ही नहीं, हम लोग भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने गोलमाल की अगली फिल्म की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन कोरोना के बाद चीजें बदल गई। अगर ईमानदारी से बताऊं तो मुझे अभी कहानी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही रोहित शेट्टी इस फिल्म का काम शुरू कर देंगे। हाल ही में रिलीज हुई रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्होंने कहा कि इस फिल्म में रणवीर सिंह को भी कास्ट करने की चर्चा है। हालांकि खबर सामने आने के बाद रणवीर सिंह की फैंस की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। तो आज की खबर बॉलीवुड में बस इतना ही, पर आप कहीं पर ना जाए क्योंकि बने रहिए बीसीएन न्यूज की अन्य खबरों के साथ। नमस्कार।